सलमान खान से मिलकर के ये क्या संदेश देना चाहते हैं, सलमान खान से मिलकर के ये दलाली करने के लिए गए हैं कि साहब अब आप ही हमें बचा सकते हैं, आप ही कोई रास्ता निकालिए, आप ही धर्माचार्यों को बोलिए, और हिंदू सनातन धर्म इस सब के बहाने आप एक नैरेटिव गढ़िए, अगर उधर से कोई नैरेटिव गढ़ता है तो अगर आप बचाना दलाली ना कर पाए तो आप ये कर सकते हैं कि हमारे समर्थन में खड़े ताकि हम कुछ हिंदू कुछ सनातन को अपनी पक्ष में खड़ा करके ये कह सके देखिए किस प्रकार को भारतीय जनता पार्टी सरकार हमें बदनाम कर रही है और मोदी जी और अमित शाह जी हमें जेल भेजना चाह रही है और राजनीति कर रही है, और उसमें एक ढाल के रूप में अभिमुक्तेश्वरानंद जी सामने आ जाए और तब गंगा जमुनी तहसीब तहजीब की बात शुरू कर देंगे, हिंदू मुसलमान एकता की बात शुरू कर देंगे, सलमान खान ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे, शंकराचार्य उसके साथ चलेंगे। फोटो ऑप्स देखिए कितना शानदार है, देख रहे हैं ना फोटो ऑप्स, ये कहानी देख रहे हैं, ये फिल्मी लोग हैं ना तो फिल्म लिखते रहते हैं, उसकी स्क्रिप्ट लिखते रहते हैं, तो एक नई स्क्रिप्ट इन्होंने लिख दी है और वो स्क्रिप्ट है कि कैसे हम लोग शंकराचार्य सलमान खान उद्धव ठाकरे सब इकट्ठे हैं और हम जैसे बेवकूफ जो हैं मूर्ख हैं, हमें कोई जानकारी नहीं है, हम तो बेवकूफी कर रहे हैं, तो ये इन लोगों का गेम प्लान है। अब क्या बात हुई होगी शंकराचार्य से, क्या सलमान खान ये कह रहे होंगे हमने जो हिट एंड रन केस किया था वो किसी ने हमको फंसा दिया, 5, 10, 11 लोगों की मौत हो गई लेकिन कोई और चला रहा था और महाप्रभु आप देखिए कि हमको फंसा दिया, हमने जो हिरन की हत्या कर दी महाप्रभु कोई किसी और ने मार दिया था हमें फंसा दिया, ये साहब किसको किसको कहेंगे, बड़े किस्से सुनते थे ऐश्वर्या राय को थप्पड़ मारने के, 60 साल का ये इंसान हो चुका है, शादी इसने की नहीं है, इसकी जिंदगी चलती कैसे है, क्या करता है ये आदमी, कभी पूछा है आपने, ये पूरा का पूरा क्लब है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये जो अभिमुक्तेश्वरानंद है इसके खिलाफ जिस व्यक्ति ने कहा है असल में उनको शंकराचार्य होना चाहिए था, वो शंकराचार्य हुए नहीं। अब ये जो देख रहे हैं ये जो तस्वीर आपको दिखाई पड़ रही है असल शंकराचार्य के हकदार ये थे, इनको पीछे छोड़ करके ये जो नकली शंकराचार्य है इन्होंने उसकी कुर्सी पाली, आपके पास साउंड बाइट है क्या, इन्होंने ये नकली कुर्सी इनको नकली शंकराचार्य नकली शंकराचार्य बन गए, ये असली ये हैं जिन्होंने आरोप लगाया कि प्रियंका गांधी के हस्तक्षेप के बाद कांग्रेस पार्टी के हस्तक्षेप के बाद इस इनको ये जो सज्जन दिख रहे हैं इनको रास्ते से हटा करके अभिमुक्तेश्वरानंद को बनाया गया शंकराचार्य। अब आप साठगांठ देखिए इस पार्टी का, गोविंदानंद सरस्वती, क्या नाम बताया आपने, गोविंदानंद सरस्वती, तो गोविंदानंद सरस्वती को शंकराचार्य बनना था और उनको हटा करके लाइक माइंडेड पीपल लाइक माइंडेड तो कांग्रेस पार्टी के प्रियंका गांधी के सलाह पर, ऐसा कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी ने इसकी व्यूहरचना रची और कांग्रेस पार्टी ने यह व्यूहरचना रची और ये पार्टी के ये शंकराचार्य हो गए। अब इस पार्टी के शंकराचार्य ने क्या किया कि अभी ये अनंत अंबानी की बेटी की शादी में चला गया, ये कॉकस देखिए, ये अंबानी परिवार भी खेल करता है, ये अंबानी परिवार दोनों तरफ खेलता है, बिजनेस घराना है ना, तो कभी कांग्रेस के साथ कभी भाजपा के साथ कभी इसके साथ कभी उसके साथ और सबको खुश करने की ये हमेशा कोशिश करता रहता है। तो ये जो सज्जन है अपने ये गए, अच्छा आपने देखा 3 शंकराचार्य थे, ऐसा तो है नहीं कि एक ही शंकराचार्य को निमंत्रण दिया होगा अंबानी ने, 3 शंकराचार्य थे वो गए नहीं, इसमें आए कौन कौन, राम भद्राचार्य को पकड़ के ले आ गए, वो जो राम मंदिर के उद्घाटन में जितने नमूने पहुंचे थे नमूने, वो नमूने को इन्होंने बुलाया, खैर
राम भद्राचार्य को मैं नहीं कहता हूं, वो योग्य व्यक्ति हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। और जो बाकी लोग हैं, रामदेव जी गए तो वो तो बिजनेसमैन हैं, योगा ये हैं, अच्छी बात है, वो भी गए, रामदेव जी भी गए, तो वो अपने तरीके से गए, उनको बुलाया, निमंत्रण में गए, वो गए, उन सबका कोई दोष नहीं है, बेचारे वो गए और आ गए, वो सलमान खान से मिलने के लिए नहीं गए थे। अभिमुक्तेश्वरानंद जी सलमान खान से मिलने पहुंच गए, क्यों पहुंच गए? सिर्फ सलमान खान से ही क्यों मिले? गोलानाथ के टू इन वन बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।